दोस्तों मार्केट डेली व्यू में हम लोग देखेंगे कि 18 अक्टूबर का मार्केट कैसे रहेगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी और जिन स्टॉक में मुझे लग रहा है कि इंट्राडे में कुछ मोमेंटम आएगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये वीडियो आप आखिर तक देखते रहो। हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक बोल रहा हूँ और स्टॉक गुरु दीपक चैनल के ऊपर आपका स्वागत है। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल के ऊपर हम लोग ऐसी एजुकेशनल वीडियो लाते रहते हैं। डेली व्यू, वीकली व्यू और टेक्निकल एनालिसिस के बहुत सारे वीडियो है, वो देख के आप टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हो और अच्छे ट्रेडिंग कर सकते हो। और दोस्तों आने वाले सैटरडे को हमारा एक फ्री सेमिनार है टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। जिनको भी इस सेमिनार को आना है हमको कॉन्टैक्ट करके आ सकते हैं, उसके डिटेल मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों हम लोग चार्ट के ऊपर जाके देखेंगे कि 18 अक्टूबर को मार्केट कैसे रहेगा। तो दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। तो यहाँ पे देखिए कि निफ्टी जो है 122 पॉइंट पॉजिटिव गया था और यहाँ पे बैंक निफ्टी जो है कि 450 पॉइंट पॉजिटिव गया है। तो हम लोग निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं कि जैसे कि मैंने वीकली व्यू में आपको कहा था कि यहाँ पे निफ्टी जो है कि मुझे ये हायर बॉटम बनाते हुए दिख रहा है, हायर लो और हायर हाई बनाते हुए दिख रहा है और ये पॉजिटिव साइड जाने का मुझे चांस लग रहा था। ये मैंने आपको वीकली व्यू में ही बताया। तो यहाँ पे हम लोग आज का जो कैंडल देखते हैं कि मैंने एक ऊपर से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था जो हमने वीकली में भी देखा है। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो आप ट्रेंड लाइन है यहाँ पे बरोबर ये यहाँ पे आज रेजिस्टेंस ले रहा है। और हमने और भी कुछ एनालिसिस किए थे कि जैसे कि निफ्टी अगर 11,397 यानी कि 11,400 पे अगर ऊपर क्लोज होती है तो ये पॉजिटिव है और नेक्स्ट जो टारगेट है 11,700 इसके ऊपर जाती है तो एकदम पॉजिटिव हो सकती है। तो अभी जो कैंडल आया है आज, तो यहाँ पे देखिए कि मैंने आपको कल भी बोला था, तो अगर आप कल का भी वीडियो जाके देखते हैं कि ये कल डोजी कैंडल आया था और उसका जो हाई है 11,480 अगर उसके ऊपर जो है कि मार्केट जाता है दिन में तो ये ऊपर वाले टारगेट आएंगे जो मैंने आपको दिए थे। और नेक्स्ट जो मेरा टारगेट था 11,612 लगभग इसके यहाँ पे जाके मार्केट रुक गया। तो मार्केट का जो ब्रेक था मैंने आपको कहा था मुझे साइडवेज टू पॉजिटिव लग रहा है, तो यहाँ पे मार्केट मोस्टली वैसा ही चल रहा है। तो जो हमने एनालिसिस किया था ये बहुत ही अच्छा चल रहा है। अभी नेक्स्ट जो टारगेट निफ्टी का है अगर वो 11,600 के ऊपर क्लोज होता है तो 700 का मोस्टली ये टारगेट आना चाहिए। 11,700 के ऊपर निफ्टी बहुत ही पॉजिटिव जा सकता है। तो ये यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट लेवल पे खड़ा है। और भी कुछ पैटर्न बन रहे हैं निफ्टी में, जैसे कि अगर आप ये देखो तो ये जस्ट कप और एक हैंडल टाइप बन रहा है। तो ये कप और हैंडल का जो ये है ऊपर वाला जो ब्रेकआउट होने के लिए जो लेवल है वो भी बरोबर आ रहा है 11,700 के आसपास ये आ रहा है। अगर ये ब्रेक होता है तो यहाँ पे भी एक बड़ा टारगेट आ सकता है। वो टारगेट जो है अगर 11,700 से नीचे लेके आप ये बॉटम का अगर जो डिफरेंस है उतना ही ऊपर आ जाएगा तो आप ये खुद भी कैलकुलेट करके देख सकते हो। अभी कल के लिए इतना बड़ा मूवमेंट आने के बाद भी कल के लिए हमको निफ्टी का जो भी है एक पॉजिटिव है, लेकिन उसमें जैसे कि यहाँ पे हमने ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक ये किया ड्रॉ किया है और ये जो ऊपर वाला जो है कि हॉरिजॉन्टल लाइन है 600 का तो ये एक इम्पोर्टेंस लेवल है। अगर नेक्स्ट मूव आना है तो निफ्टी ने यहाँ से ब्रेक करना चाहिए और इसे ब्रेक करके ऊपर जाता है तो 11,700 ब्रेक करना इसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। और 11,700 के ऊपर जिस दिन ये ब्रेकआउट होकर क्लोज होता है तो यहाँ पे निफ्टी का एक नेक्स्ट मूव चालू हो जाएगा जो बहुत अच्छा होगा। लेकिन उसके पहले भी हमको देखना है कि लेवल ब्रेक करते हैं उसके बाद हम लोग ये सोच सकते हैं कि ऊपर वाले सब टारगेट। अभी कल आपको ट्रेड करना है तो उसके लिए भी क्या लेवल रहेंगे वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि कल के लिए आपको इमीडिएट जो रेसिस्टेंस है 11,612 का आना चाहिए। अगर ये ब्रेक होता है तो इंट्राडे में आप इसमें बाइंग कर सकते हो। शॉर्ट के लिए अगर निफ्टी थोड़ा शॉर्ट जाता है या नीचे आ जाता है तो 11,547 के नीचे आप इसको शॉर्ट कर सकते हो। यहाँ पे निफ्टी का मुझे बायस बहुत ही पॉजिटिव लग रहा है। यहाँ पे बैंक निफ्टी का पूरा हम लोग चार्ट देखते हैं तो बैंक निफ्टी भी आज बहुत अच्छा मोमेंटम किया। यहाँ पे देखिए कि जो इम्पोर्टेंस लेवल से नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा था 28,618 उसके ऊपर आज अच्छी तरह क्लोज हो गया। नेक्स्ट जो लेवल मैंने दिया था आपको ये जो था 28,986 ये ऑलमोस्ट इसके पास या इसके ऊपर यहाँ पे लगभग ये ट्रेड कर रहा है। कल के लिए हमको लेवल देखना है तो यहाँ पे देखिए कि ऑलमोस्ट ये अपना एक लेवल था उसके आसपास ही यहाँ पे क्लोज हुआ है। तो कल के लिए अगर आपको इंट्राडे में बाय या सेल करना है तो एक थोड़ा सा आज का जो हाई बना था वो ऑलमोस्ट आता है 29,057
उसके ऊपर जाएगा तो आप बैंक निफ्टी में बाय कर सकते हो। सेल के लिए मैं थोड़ा सा नीचे ये करता हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी जो एक पॉजिटिव है, तो सेल के लिए 28,764 के नीचे इसमें आप सेल कर सकते हो। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग स्टॉक के बारे में, तो रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में देखते हैं। तो देखिए, मैंने आपको बहुत बार कहा था, रिलायंस के मैंने कॉल भी दिए थे आपको, कि मुझे लग रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्री एक बार एक मूवमेंट करेगा जबकि रिजल्ट के पहले, और उसका रिजल्ट कल है, और रिजल्ट के कल है कि मार्केट आवर्स के बाद रिजल्ट होगा, तो रिलायंस में और एक मूवमेंट बचा है, शायद कल भी आ सकता है। आज भी बहुत ही अच्छा मूवमेंट किया रिलायंस ने। देखिए, कल मैंने आपको 2-3 दिन से इसको फॉलोअप कर रहा हूँ कि ऊपर के साइड में ब्रेकआउट होगा। अभी कल के लिए हम लोग क्या मूवमेंट देख सकते हैं, तो लगभग इसका जो आज का हाई है उसके अगर आसपास हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे अच्छे एक लेवल क्लियर करके रिलायंस जो है कि गया है। कल आप आज के हाई के आसपास जो आता है 1399, तो ये राउंड फिगर आता है, यानी कि 1400। अभी इसका जो आपको कल अभी इसमें ट्रेड करना है, तो 1400 के ऊपर ही जाएगा तो ही आप ट्रेड करो, क्योंकि ये राउंड फिगर के बहुत बड़ा रेजिस्टेंस आता है। लेकिन अगर 1400 पे में सस्टेन करेगा तो 1420 का ये टारगेट उसका आ जाएगा। और यहाँ पे अगर थोड़ा पॉजिटिविटी और भी रहेगा तो रिलायंस इंडस्ट्री और भी ऊपर जा सकता है। अगर देखिए कि ये जो ऑल टाइम हाई यहाँ पे लग रहा है, तो अगर ये ब्रेक करता है तो नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा रिलायंस का, ये 1462 का आ सकता है। तो ये लेवल प्रॉपरली प्राइजेशन के साथ ब्रेक करना चाहिए, तो ऊपर सब टारगेट आ सकते हैं। तो कल के लिए आप रिलायंस के ऊपर अच्छी तरह यहाँ पे नजर रख सकते हो। उसका अगर 1383 के नीचे अगर जाता है, तो रिलायंस में आप शॉर्ट कर सकते हो। तो ये यहाँ पे मैं थोड़ा इंट्राडे में भी दिखाता हूँ रिलायंस इंडस्ट्री का। तो यहाँ पे देखिए कि 1384 जो मैंने कल आपको लेवल बताया था, जो हमारा फिबोनाची का भी लेवल आता है, तो ये लेवल पे देखो कैसे रिलायंस इंडस्ट्री ने प्राइजेशन बना के उसके बाद ऊपर गया था। तो हर एक टेक्निकल वर्क होता है, थोड़ा वेट करना चाहिए। और मोस्टली जितने भी मैंने रिलायंस के या निफ्टी के मोस्टली टारगेट दिए, तो बहुत बार अच्छी तरह वो आ गए। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि कल मैंने आपको कुछ कॉल दिए थे, जैसे कि इंडस बैंक के बारे में। तो मैंने आपको कहा था इंडस बैंक में कि यहाँ पे एक डोजी कैंडल बन रहा है, इसमें आइदर साइड ट्रेड हो सकता है, एक तो ऊपर ब्रेक हो जाए नीचे। तो यहाँ पे देखो, इसमें ऊपर ब्रेक हो गया और बहुत अच्छी तरह यहाँ पे गया। तो यहाँ पे इंडस बैंक में अच्छी मूवमेंट आ रही है। तो कल भी अगर ये जो हाई है उसके ऊपर जाता है, तो आज का जो हाई, क्योंकि इसके ऊपर थोड़ा जो मेरा लेवल के यहाँ से जाके नीचे आए, तो हाई जो उसका है 1344 के ऊपर, कल भी आप इंडस बैंक में बाइंग का एक मौका देख सकते हो। थोड़ा मैं आपको ये लेवल बताता हूँ जहाँ पे मैंने बाय बताया था और इंट्राडे में कैसे वर्क हुआ। तो देखिए कि इंट्राडे में ये जो कल का हाई था, यहाँ से ब्रेकआउट कैसे हो गया। देखिए, इंट्राडे में ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर से ऊपर गया, और ऊपर वाले सभी टारगेट के वहाँ पे भी ब्रेकआउट करके सपोर्ट लेके ऊपर गया। तो यहाँ पे मूवमेंट आया है, आज भी इसमें प्रॉफिट हुआ है, कल भी आप इसमें ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट जो मैंने आपको भारतीय एयरटेल बताया था, लेकिन ये जो लेवल था, अगर आप देखो इंट्राडे में, तो ये लेवल जो है इसका, भारतीय एयरटेल का लेवल है, ये एकदम लास्ट में आया था और उसके ऊपर प्रॉपरली सस्टेन भी नहीं हुआ। तो ऐसा ट्रेड जो है कि ये इनिशिएट नहीं होता है, तो इसको हम लोग ये सोचेंगे कि अपना ट्रेड इनिशिएट हुआ ही नहीं है। एनीवे, हम लोग कल के लिए भी कुछ देखेंगे। तो कल के लिए जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले आपको एचयूएल के बारे में भी बात किया था बाय करने के लिए, लेकिन उसका उस दिन लेवल नहीं आया था। तो नेक्स्ट डे देखो ये लेवल आया तो कैसे ऊपर गया। तो क्या होता है कि जो मैं लेवल देता हूँ, उस दिन ब्रेक नहीं हुआ तो नेक्स्ट डे ब्रेक हुआ तो भी आप उसमें ट्रेड कर सकते हो। अभी एक्चुअल जो है कि ये ऑल टाइम हाई है, देखिए पीछे देखिए कि ऑल टाइम हाई के यहाँ पे ब्रेक हुआ है। तो अगर ये इसका कंटिन्यूशन होता है, क्योंकि हाई ऑफ द डे के आसपास क्लोज हुआ है, तो कल भी आप एक्चुअल में हिंदुस्तान यूनिलीवर में 2108 के ऊपर यहाँ पे बाइंग के लिए देख सकते हो। मैंने आपको गेल का भी लास्ट टाइम दिया था, लेकिन उसने लेवल ब्रेक नहीं किया, आज भी वो हाई के लेवल के उधर से रिटर्न आया। तो गेल भी जो को कि आप कल देख सकते हो 129 के ऊपर, इसमें आप बाइंग कर सकते हो। तो कल के लिए इसके आपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो। नेक्स्ट जो स्टॉक है एसबीआई। तो देखिए, एसबीआई में कंसोलिडेशन था और एक कंसोलिडेशन के बाहर आज क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे कल और हाई ऑफ द डे के आसपास ही क्लोज हुआ है। तो कल भी यहाँ पे अगर एसबीआई में 266 के ऊपर अगर क्लोज होता है, ये होता है इंट्राडे में जाता है, तो आप इसमें एंट्री कर सकते हो। नेक्स्ट जो स्टॉक है मारुति। तो मारुति के बारे में देखिए कि मैंने आपको पहले भी कॉल दिए थे और अपने कॉल वर्क भी हुए, आज भी अच्छा मोमेंटम आया है। नेक्स्ट इसका एक इम्पोर्टेंस लेवल है, अगर ये मोमेंटम करता है 7178, ये बहुत याद रखना, जब भी ये लेवल ब्रेक करेगा कल करो
या फिर मंडे ट्यूसडे को करो, मंडे को शायद छुट्टी रहेगा, तो ये लेवल जब भी ब्रेक करेगा बहुत अच्छे मोमेंटम मिलेगा आपको इंट्राडे में। 7178 ये मारुति के बारे में आप बिल्कुल ध्यान में रखना, ये लेवल बहुत अच्छा है इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो है कि ब्रिटानिया इंडस्ट्री, यहाँ पे देखिए कि ब्रिटानिया इंडस्ट्री का एक सप्लाई जोन है यहाँ पे आया है, तो शायद यहाँ पे एक ब्रेक या मेक हो सकता है, तो इसमें आप बाइंग भी कर सकते हो या फिर इसको रिवर्स आया तो सेल भी हो सकता है। 3265 के ऊपर बाइंग करेंगे 3317 का एक टारगेट आ सकता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना कि सप्लाई जोन के यहाँ पे है तो एक यहाँ पे रिवर्सल भी मारेगा, अगर रिवर्सल नहीं करता तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट होने का चांस है, तो इसके ऊपर आप नजर रख सकते हो इंट्राडे में या डिलीवरी में भी आपको इसमें ट्रेड मिल सकता है। नेक्स्ट जो है कि बजाज फाइनेंस, तो यहाँ पे देखिए बजाज फाइनेंस में भी अच्छा एक मोमेंटम बन रहा है, एक हाई था उधर आज उसने उसको अप्रोच किया लेकिन उसको ब्रेक नहीं किया, तो कल 4113 के ऊपर अगर जाता है तो आपको बजाज फाइनेंस में भी अच्छा यहाँ पे ट्रेड मिल सकता है, तो ये स्टॉक के ऊपर आप कल नजर रख सकते हो। तो दोस्तों इतने स्टॉक है जो मैं आपके साथ शेयर किए, कल जो है कि फ्राइडे भी है और एक बड़ा वीकेंड है क्योंकि शायद मंडे को भी छुट्टी है इलेक्शन के लिए, तो यहाँ पे आपको कौन सा भी पोजीशन मोस्टली होल्ड करके नहीं जाना है या भी कोई भी पोजीशन आप घर में लेके जाओ क्योंकि ये बड़ा वीकेंड है, तो वो तरीके से वो हिसाब से आप ट्रेडिंग करना। और ये जो मैंने टेक्निकल लेवल आपको बताया ये मेरे सब टेक्निकल लेवल है, ये मेरा स्टडी के ऊपर मैंने आपको बताया, ऐसा नहीं कि मार्केट ऐसे ही चलना चाहिए, अगर आपको इसमें ट्रेड करना है तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर का आप सलाह लेके इसमें ट्रेड कीजिए। और दोस्तों ऐसे टेक्निकल एनालिसिस आपको सीखना है मेरे साथ आके तो ठाणे मुंबई में हमारे ऑफिस में आके आप सीख सकते हो, इसके डिटेल मैं आपको यहाँ पे देता हूँ, मैं आपको लाइव मार्केट में सिखाऊंगा। और आपको फ्री ट्रेनिंग चाहिए तो सैटरडे को हमारा आने वाले सैटरडे को रहेगा 19 तारीख को 5 to 7 में 2 घंटे में आपको टेक्निकल एनालिसिस सिखाऊंगा, जिनको भी बेनिफिट लेना है हमको कॉल करके आ सकते हो। दोस्तों यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और आपके कमेंट भी दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जय हिंद।